प्रखंड के शिवबाबूडी पंचायत अंतर्गत शिवबाबूडी गांव ऊपर टोला में आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 30 में सहायिका के चयन के लिए मुखिया राजेश ठाकुर एवं समिति भारत चंद्र महता की उपस्थिति में CDPO राजकिशोरी खलगो ने ग्राम सभा कराई। सभा में 12 महिलाओं ने आवेदन दिया। नियमानुसार उच्च योग्यता प्राप्त पार्वती देवी को शांतिपूर्ण तरीके से इस पद के लिए चयन किया गया। मुखिया राजेश ठाकुर, CDPO राजकिशोरी खालगो एवं सेविका अनिता देवी ने पार्वती देवी को नियुक्ति पत्र सौंपा। ग्राम सभा के दौरान शांति बनाए रखने के लिए अमलाबाद OP पुलिस भी मौजूद रही। इस दौरान ग्रामीणों ने CDPO से जनसंख्या के आधार पर एक आंगनबाड़ी केंद्र की मांग की। CDPO ने ग्रामीणों को गांव का सर्वे कर रिपोर्ट व प्रस्ताव भेजने का आश्वासन दिया। मौके पर सेविका अनिता देवी, फूलन देवी, कमल ठाकुर, महादेव बावड़ी, किशोर रवानी, चंदन कुमार बावड़ी, धोनी समेत दर्जनों ग्रामीण उपस्थित थे। आपका यहाँ पर बैठक हुआ, किस चीज का बैठक था? सहायिका चुनाव का। अच्छा, तो आपको किस पद में चुना गया? उनको सहायिका पद में चुना गया। मैंने किस आधार पर चुना गया? क्वालिफिकेशन अच्छा था और बाकी सब चुनाव मतलब सबको ही देख दी, महिला मेरा रैंक आया, इस वजह से चुनाव मिला हुआ। आपका सेविका पद में हो गया ना? SI का पद में हो गया। और आप आंगनबाड़ी में अब तो ये हो गया, ठीक से बच्चों का देखभाल कर लीजिएगा? हाँ, बच्चों के लिए चुनाव किए हैं, शामिल हुए कि उनको बच्चा पढ़ाना अच्छा लगता है, उसको देखभाल करना अच्छा लगता है, साथ में जो भी मतलब गर्भवती सब उसका देख रेख करने में अच्छा लगता है, और नॉलेज भी बढ़ेगा, जागरूकता करने में भी हमको अच्छा लगता है, जागरूकता और बहुत सी महिलाएं जो इस सब के बारे में बहुत मतलब नॉलेज नहीं है, तो बातचीत करके उसको भी जागरूकता में शामिल करेंगे। आंगनबाड़ी में हर कार्यक्रम ना साथ दीजिएगा और बच्चों को साथ रहिए। दिनांक 31/10/23 आंगनबाड़ी केंद्र शिवबाबूडी वार्ड में सहायिका पद हेतु चयन किया गया, जिसका में 12 आवेदन आया था और 2 आवेदन ऐसे थे जिसका में टाई हुआ, तो पार्वती कुमारी का चयन मैट्रिक में अधिक प्रतांक होने के कारण इन्हीं का चयन किया गया। किस आधार पर? ये माने सर्वाधिक अंक दोनों का 22 अंक मिला था, दो इनका और ज्योत्सना का, लेकिन इसका समान योग्यता रहने पर मैट्रिक का अंक प्रमाण पत्र देखा, तो मैट्रिक में इनका ज्यादा अंक था, इसलिए इनका संशय आधार पर किया गया। शांतिपूर्ण तरीके से हो गया? शांतिपूर्ण तरीके से हो? शांतिपूर्ण तरीके से, कोई दिक्कत नहीं।